श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय नवम भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग श्लोक संख्या 45 शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदान स्वामी श्रील प्रभुपाद। तत्र दुंदु भयो ने दुहु देव मानव वादिता शशंसुः साधवो राजघ्नाम ख्यात्पेतुः पुष्पवृष्टयः। शब्दार्थ तत्र तत्पश्चात दुंदुभयः नगाड़े नेदुः बजने लगे देवा अन्य ग्रहों के देवता मानवा सारे देशों के मनुष्य वादिताः के द्वारा बजाए जाकर शशंसुः प्रशंसा की साधवः ईमानदार राजनाम राजाओं के द्वारा ख्यात आकाश से पेतुः गिरने लगी पुष्पवृष्टयः पुष्पों की वर्षा। अनुवाद तत्पश्चात मनुष्यों तथा देवताओं ने सम्मान में नगाड़े बजाए और निष्ठावान राजाओं ने सम्मान तथा आदर प्रदर्शित किया और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। तात्पर्य मनुष्य तथा देवता दोनों ही भीष्म देव का आदर करते थे। मनुष्य पृथ्वी पर एवं ऐसे ही अन्य ग्रहों के समूह भू तथा भुवह में रहते हैं लेकिन देवता स्वः अर्थात स्वर्ग लोक में रहते हैं और वे सभी भीष्म देव को एक महान योद्धा तथा भगवत भक्त के रूप में जानते थे। महाजन या अधिकारी के रूप में वे ब्रह्मा नारद तथा शिव के तुल्य थे यद्यपि वे एक मानव थे। देवताओं के तुल्य योग्यता आध्यात्मिक पूर्णता मिलने पर ही होती है। इस प्रकार भीष्म देव ब्रह्मांड में सर्वत्र विख्यात थे और उनके समय में एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा व्यर्थ के यांत्रिक अंतरिक्ष यानों के द्वारा नहीं अपितु सूक्ष्मतर विधियों से संपन्न की जाती थी। जब सुदूर ग्रहों की को भीष्मदेव के निधन की सूचना भेजी गई तो उच्च लोकों के निवासियों ने तथा पृथ्वी के निवासियों ने दिवंगत महापुरुष के सम्मान में पुष्पों की वर्षा की। स्वर्ग से फूलों की वर्षा देवताओं द्वारा मान्यता का चिन्ह है और इसकी तुलना कभी भी शव के फूलों से सजाने से नहीं की जानी चाहिए। आत्म साक्षात्कार के कारण भीष्मदेव के शरीर का भौतिक प्रभाव मिट चुका था और उनका शरीर उसी प्रकार आध्यात्मिक बन गया था जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में आकर लोहा तप्त लाल हो जाता है। अतएव पूर्णतः स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का शरीर भौतिक नहीं माना जाता। ऐसे आध्यात्मिक शरीरों के लिए विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। भीष्मदेव के सम्मान का तथा उनकी मान्यता का अनुकरण कभी कृत्रिम साधनों से नहीं करना चाहिए क्योंकि आजकल हर सामान्य व्यक्ति का जयंती समारोह मनाया जाता है। प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार किसी सामान्य व्यक्ति का चाहे वह भौतिक दृष्टि से कितना ही बड़ा क्यों न हो जयंती उत्सव मनाना भगवान के प्रति अपराध है क्योंकि जयंती तो धरा पर भगवान के आविर्भाव दिवस के लिए सुरक्षित है। भीष्मदेव अपने कार्यकलापों के कारण अद्भुत थे और उनका ईश्वर के धाम को प्रयाण भी अद्भुत है। यहाँ प्रभुपाद पहले कहते हैं कि पहली लाइन में तात्पर्य में कहते हैं कि भीष्मदेव मनुष्य और देवता दोनों के लिए सम्मान पात्र थे और दोनों उनको आदर देते थे। देखिए लेकिन हम देखते हैं कि भीष्म देव जब द्रौपदी को भरी सभा में वस्त्रहीन की जाती है करने का प्रयास किया जाता है तो भीष्म देव कुछ नहीं बोले। तो ये चीज पकड़कर लोग भीष्म देव के प्रति ऐसे सोचेंगे कि भीष्म देव को ऐसे रोकना चाहिए क्योंकि वो सबसे वरिष्ठ थे और चाहते तो वो रोक सकते थे ऐसा लोग सोचते हैं।
अभी एक भक्त का परसों 2-3 दिन पहले मेरे पर फोन आया, तो बोला भीष्मदेव महाजन है? मैंने बोला हाँ महाजन है, लेकिन उन्होंने तो इस पृथ्वी को पांडव मतलब पांचों पांडव को मारने की प्रतिज्ञा ली थी, तो वो कैसे, वो तो दुश्मन के रूप में, तो कैसे महाजन माने जाते हैं? तो ये सब की भूल धारणा है, भ्रांत धारणा है कि भीष्मदेव शत्रु के रूप में थे पांडव के, और अर्जुन के अर्जुन और भगवान कृष्ण के खिलाफ उन्होंने युद्ध किया। लेकिन यही सिद्धांत आपको आचार्यों से जाना है, इसीलिए हम अगर सीधा ही कमेंट्री देखेंगे तो ऐसे ही लगेगा कि भीष्मदेव अर्जुन को, क्योंकि उन्होंने महाभारत में उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कल पांचों पांडवों को मार दूंगा, प्रतिज्ञा ली थी उन्होंने। तो ये जो बातें हैं भक्त और भगवान की बातें, यदि वो महाजन नहीं होते, यदि वो शुद्ध भक्त नहीं होते, तो ये देवताओं उनको इतना सम्मान नहीं देते, क्योंकि वे तो मनुष्य थे, विष्णुदेव मनुष्य होते हैं, मनुष्य से कहीं ज्यादा। जो भक्त भगवान के, जो व्यक्ति भगवान का भक्त होता है, जो व्यक्ति भगवान का भक्त होता है उसको वो भक्ति करते हैं, भगवान से उसका संबंध है, इसलिए उनमें सारे गुण आ जाते हैं। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणे तत्रे समासते सुरा, जो भगवान की भक्ति करते हैं उनमें गुण आ जाते हैं, इसलिए वो आदरणीय बन जाते हैं। हम देखते हैं सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, इवन युधिष्ठिर महाराज शत्रु थे, उनके कोई शत्रु नहीं थे, युधिष्ठिर महाराज के भी अजात शत्रु थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वो वृंदावन में रहते थे, वडील थे, और उनसे सब अपने घर की समस्या, आध्यात्मिक समस्या, सबके बारे में उनसे सलाह लेते थे, कोई उनका दुश्मन नहीं थे। ते भगवान के भक्त अजात शत्रु होते और महान आदरणीय होते। इसीलिए यहां लिखा है कि भीष्मदेव के देह गमन, इनके देह त्याग की बात, देह त्याग सुन के सब स्वर्ग में सब लोगों ने नगाड़ा बजाई और पुष्पवृष्टि की। हमें यह भी एक सीख मिलती है कि जब हमारे यहाँ किसी का मृत्यु होता है तो 2-4 घंटे के बाद हमको मालूम पड़ता है, लेकिन उस समय स्वर्ग में भी मालूम हो गया था, उच्च लोकों में मालूम हो गया था। यहाँ लिखते हैं भू, सिर्फ ये पृथ्वी पर ही मनुष्य नहीं रहते, भू भुवा यानी स्वर्ग के भू भुवा स्व, तो भू भुवा यानी स्वर्ग और भू के बीच का अवकाश, और स्व स्व यानी स्वर्ग लोक, तो ये तीन लोक माने जाते हैं। तो भू मनुष्य भूलोक में रहते हैं, और भुवा ये बीच के अवकाश में भी मनुष्य रहते हैं, तो और स्वर्ग में रहते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि उस समय, यहां लिखते हैं कि इस प्रकार भीष्मदेव ब्रह्मांड में सर्वत्र विख्यात थे, समझिए, तो स्वर्ग लोक में भी वो विख्यात थे। तो विख्यात कैसे होते हैं? उन्होंने ऐसा कार्य किया होगा तो ही ना, यानी उन्होंने द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय कुछ नहीं बोले, अर्जुन के खिलाफ वो लड़े, फिर भी वो भक्त है, यानी ये भगवान की योजना है। भक्त समझ तुरंत समझ जाते हैं, स्वर्ग में देवता लोग भी समझ गए कि ये तो भगवान की योजना है, इसीलिए तो उन्होंने कभी भी आक्षेप नहीं किया भीष्मदेव पर। तो भीष्मदेव को वो शुद्ध भक्त है, और शुद्ध भक्त के कार्यकलापों को कोई भी नहीं समझ सकता, भक्त के कार्य को कोई नहीं समझ सकते। तो यही भूल धारणा होती, कभी गुरु महाराज होते हैं, हमारे गुरु होते हैं, तो जब भक्त उनके साथ रहते हैं तो वो देखते थे कि ये गुरु भी, उनको भी भूख लगती है, वो भी सोते हैं, टॉयलेट जाते हैं, उनको भी दर्द शारीरिक पीड़ा होती है, तो ये देख के वो समझता है, जो नवोदित भक्त है वो समझते हैं तो मेरे जैसे ही है, मेरे में उनमें क्या फर्क है। ये दूसरा पॉइंट भी इसमें क्लियर कर रहे हैं प्रभुपाद, ये पॉइंट कि
भगवान के ये शुद्ध भक्त गुरु महाराज और मेरे में क्या अंतर है? वो भी खाते पीते सोते, उनको भी निद्रा आती है, हाँ उनको भी पीड़ा होती है, दांत का दर्द, कभी शारीरिक पीड़ा आती है, तो उनका शरीर भी भौतिक है। तो ये जो नवोदित भक्त हो, ऐसे ही नवोदित भक्त जिनकी चेतना विकसित नहीं हुई है, जो सिर्फ भगवान और हम अपने आप को ही समझते हैं कि मैं और भगवान बस, वो ये समझ नहीं पाएंगे भीष्मदेव की स्थिति को, कि भीष्मदेव कितने महान है और भगवान की योजना के अलावा उनके पास अपनी कोई योजना ही नहीं है। शुद्ध भक्त कब कहलाते हैं? जब उसकी योजना और कृष्ण की योजना एक होती है, यानी कृष्ण की योजना ही उनकी योजना होती है। इसीलिए जब भक्त के ऊपर कुछ दुख होता है और हमारे पर भी जब कोई दुख आए, तो हमें यही समझना चाहिए कि ये कृष्ण की योजना है। यदि जैसे पिछले श्लोक में हमने प्रभुपाद के तात्पर्य के अंतिम लाइन में क्या देखा कि यह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है, क्या कि वो भगवान साक्षात उपस्थित थे जब भीष्मदेव प्रयाण कर रहे थे। तो हम भी अगर यही देखेंगे कि ये सब भगवान की योजना है, तो हम भी जब हमारे मृत्यु के समय हम देह त्याग करेंगे, तो हमें भी सर्वोच्च पूर्णता मिलेगी, कृष्ण हमारे समक्ष उपस्थित रहेंगे। ये है जीवन की पूर्णता। तो कब आएगा? जब हम ये सब सिद्धांतों को समझेंगे कि भीष्मदेव कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, और हमारे ऊपर जितने भी दुख आते हैं वो सब दुख कृष्ण की योजना है। कृष्ण की योजना के बिना दुख नहीं आएगा। हम लोग ऐसा सोचते इतना काम खत्म कर दूंगा, मैं भी ऐसा बहुत बार सोचता हूँ, बस इतना काम खत्म हो जाएगा फिर मैं सेवा कहाँ रहता है काम और थोड़ा, तो इतना काम हो जाएगा फिर मैं शांति से बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चला जाऊँगा। ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हमारी योजना बंद कर दो तुरंत। जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अभी हमें जाना है, मैराथन है, तो हमें हमारी योजना बंद करनी पड़ेगी। अभी 6:30 से 8:30 कृष्ण की योजना के हिसाब से हम चलेंगे, हमारे गुरु की योजना के हिसाब से हम चलेंगे, लोगों को प्रचार करेंगे, ये हमारे ये होनी चाहिए। तो ये हमारा प्रेम कृष्ण के प्रति बढ़ेगा, कृष्ण की सेवा करेंगे, कृष्ण प्रसन्न होंगे तो कृष्ण हमें प्रेम देंगे। तो ये अज्ञान है कि हम ये सब भीष्मदेव जैसे महान योद्धाओं, महान भक्त, भगवत भक्त के हम नहीं समझ पाते हैं। अगर हम उनके वो सोचते हैं कि वो भी हमारी तरह ही है। एक बहुत सुंदर, मैं भी ऐसे सोचता था कि ये गुरु, प्रभुपाद कहते कि गुरु का शरीर शुद्ध है, हो जाता है, मतलब वो दिव्य हो जाता है, तो दिव्य कैसे होता है? मैं ये सोचता, तो ये जो एनालॉजी प्रभुपाद बता रहे हैं, ये उदाहरण कि जैसे लोहा, एक लोहे का सलिया, वो लोहे का सलिया होता है, लेकिन जब उसको अग्नि में लगाया जाएगा तो लाल हो जाएगा, तो उसका लोहे का गुण सब निकल जाएगा और वो कंप्लीट अग्नि बन जाएगा। तो इसी प्रकार गुरु या शुद्ध भक्त का शरीर दिखता है, लेकिन वो क्योंकि पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत है, इसीलिए वो दिव्य है। उसके गुण भौतिक गुण नहीं है, वो शरीर के, गुरु के शरीर के गुण भौतिक नहीं होते, गुरु और शुद्ध भक्त के शरीर के गुण भौतिक नहीं होते। इसीलिए हमें कभी भी ये भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि अभी ये लोहा ही है, नहीं, वो आग में आ गया इसलिए लाल, अभी उसके लोहे का गुण नहीं है, लोहे का आप छू सकते हैं, उसमें जंग दिख सकते हम, लेकिन गुरु ये जो लोहा जब आग में लग जाएगा तब हम उसको नहीं छू सकते हैं, है ना। ये बहुत सुंदर उदाहरण प्रभुपाद बार बार दे रहे हैं, और हमें ये सब समझना है कि किस प्रकार से ये शुद्ध भक्त का शरीर होता है दिव्य शरीर। तो हमें हमारी आंखों से शुद्ध भक्त के दिव्य शरीर का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि आत्म साक्षात्कार के कारण भीष्म देव के शरीर का भौतिक प्रभाव मिट गया था और उनका शरीर उसी प्रकार आध्यात्मिक बन गया था जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में आकर लोहा तप्त लाल हो जाता है। यह हमें
समझना है ध्यान से कि कैसे अग्नि बन जाता है कृष्ण भावनामृत की अग्नि में गुरु, जो भी शुद्ध भक्त, जो भी भक्त कृष्ण भक्ति करता है पूर्ण रूप से, तो वो लोहे जैसा नहीं रहता है, फिर वो अग्नि जैसा हो जाता है। तो हमारा भी अग्नि कितना प्रज्वलित हुआ है कृष्ण भावनामृत का, उससे हम हमारा शरीर भी कितना दिव्य है वो समझ सकते हैं, हम कितनी सेवा करते हैं वो समझ सकते हैं। जनरली हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं कि ये वो कम सेवा कर रहे हैं, वो कम सेवा करते, क्योंकि हमारी दृष्टि ऐसी ही बन चुकी है। इसीलिए हम लोग अगर हम ऐसी दृष्टि रखेंगे तो हम गुरु को भी ऐसी दृष्टि से ही देखेंगे कि गुरु महाराज क्या करते हैं, तो बैठे रहते हैं और मैं पूरा दिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाता हूँ, है ना। हालांकि अपने आचारक के आचार करे न के ना करे प्रचार, प्रचार करे न के ना करे आचार। सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर को कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति आचार करते, आचरण करते अपने जीवन में कृष्ण भक्ति का, लेकिन वो प्रचार नहीं करते हैं, और कोई व्यक्ति प्रचार करते हैं कृष्ण भक्ति करना चाहिए लेकिन वो आचरण नहीं करते हैं। हम सबको चार नियमों का पालन करना है, कृष्ण भक्ति करना है, लेकिन वो बोलने वाला अपने जीवन में आचरण नहीं करता है, ऐसे लोग होते हैं। लेकिन सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर कहते हैं आचार्य प्रचार करें, आचार्य प्रचार दुई करें कार्य करें तुम्ही, आचार्य प्रचार दुई, आचार्य प्रचार आचार प्रचार दुई करे न तुम्ही कार्य, आचार प्रचार तुम्ही दुई, आचार प्रचार दुई कार्य करे, आचार प्रचार दुई तुम्ही करे कार्य, तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगतेर आर्ज। कहते कि तू आप हरिदास ठाकुर की आप आचरण आचरण भी करते और प्रचार भी करते, आप 3 लाख हरे कृष्ण 3 लाख बार भगवान का नाम जप करते प्रतिदिन, और आप प्रचार करने भी जाते हैं घर घर, इसीलिए आप तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगतेर आर्ज, मतलब आप सबके गुरु और आप महान हैं क्योंकि आप दोनों कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार हमें किसी का देखकर ऐसा नहीं, हमें ऐसे आदर्श भक्तों का देखना चाहिए कि ये कितने महान है कि वो आचरण भी करते प्रचार भी करते, तो मैं भी ऐसा करूं। हमें ऐसा नहीं, अरे वो सेवा नहीं कर रहा है, वो सेवा नहीं कर रहा है, मैं अकेला ही सेवा कर रहा हूं, मैं ही चंदन की तरह घिस रहा हूं, ये सब कोई घिसते नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नहीं, हम करेंगे बस, कोई करे या नहीं करे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। अभी कोई प्रवचन यहां देते नहीं है तो ठीक है मैं दे दूंगा, ये मैं सेवा करूंगा, कोई मंगल आरती में नहीं आते ठीक है हम जितने आते उतना आएंगे, हम सबको बोलेंगे, लेकिन वो मंगल आरती में नहीं आता ये नहीं आता है मैं भी नहीं आऊंगा, ऐसा नहीं। ये हमारी दृष्टि जो है ना, इसको बदलना पड़ेगा। किसी की क्या स्थिति है, किसी की क्या पोजीशन है, किसी की क्या चेतना है, वो चेतना से मिक्स मत करो। हमें तपना है, लोहे बनना है, अरे हमें अग्नि बनना है, हमारा भी लोहा है, हम जो वो भी लोहा है, कटा हुआ जंग लगा हुआ लोहा है, वो जंग लगाओ इससे क्या फायदा होगा, अपने लोहा जंग लगाए उसको तो साफ करो, उसको अग्नि बनाओ, समझ रहे ना। किसी को मत देखो और उनका देख के हमारा घर क्यों तोड़े। एक भक्त का प्रश्न आया था, बोला वो बहुत प्रचार कर रहे हैं, मैं प्रचार नहीं कर पाता। कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा है ना तो प्रचार होगा, चिंता मत करो। मतलब ये हमें भक्त का ये गुण है, भक्त का ये गुण है कि प्रभुपाद ने एक कोटेशन भेजा था ना ईर्ष्या वाला, कि भक्त कभी ईर्ष्या नहीं करते हैं। जब भक्त देखते हैं कि सामने वाला कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहा है तो बहुत प्रसन्न होता है, हो चलो कृष्ण भक्ति में कोई आ गया। तो ईर्ष्या इस भौतिक जगत का स्वभाव है, ये पैसे वाला हो रहा है मैं उससे दुगुना पैसा वाला हो जाऊंगा, ये हमारी वास्तव में हमारी भी ये अभी ईर्ष्या बहुत तीव्र मात्रा में है।
तुरंत ही हमारे पास सब कुछ है, लेकिन दूसरे को देख के हमारी ईर्ष्या इतनी बढ़ जाती है कि हम सहन नहीं कर सकते हैं। लोग एक घर बनाते हैं, फिर दूसरे को बोलते हैं, हाँ मैंने घर बनाया, इतना उत्साह से बोलेगा, लेकिन सामने वाले को हृदय में ही होगा, अरे इसका तो घर बन गया, मेरे पास घर नहीं है, है? ये ईर्ष्या। तो हमें भक्तों में से ये ईर्ष्या धीरे धीरे निकल जाएगी, और निकालना है हमको ईर्ष्या। भौतिक ईर्ष्या क्या काम की? ईर्ष्या है भगवत प्रेम का विकृत स्वरूप। तो हमारे में जितनी ही ईर्ष्या होगी, हमारा भगवत प्रेम नहीं होगा, यानी हमारी भक्ति नहीं बढ़ेगी आगे। तो हमें भक्ति में से हमें अपने आप को लगना है, और जैसे जैसे हम लगेंगे ऐसे हम भगवान के प्रति हमारा जो समन्वय है वो होता जाएगा। तो आज हम हर रोज मंगल आरती करते हैं, गुरु पूजा करते हैं, नाचते हैं, तो ये ऐसे ही जब हमको भगवान प्रेरणा देते हैं, और फिर हमको बहुत आनंद आएगा कि ओ मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मैं कृतज्ञ बनेंगे हम कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि भगवान की मैं आरती कर रहा हूँ, भगवान कितना मुझे मेरी रक्षा कर रहे हैं, मुझे ये जगत में अनादि चरिम चिरात जो अनादि काल से जो बंद पड़ा था वो कृष्ण प्रेम हमको दे रहे भगवान। ये हमें कृतज्ञता आनी चाहिए हमारे में कि मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ, छोटी सी सेवा कर रहा हूँ, भगवान मुझे कितनी बड़ा उसका ये दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। रण में जाएंगे हम, हमारे पास लाख रुपया होगा, लेकिन एक ग्लास पानी नहीं मिलेगा। ऐसा है इस भौतिक जगत में, एक बूंद पानी नहीं मिलेगा रण में। ऐसा ही इस भौतिक जगत में एक बूंद सुख जैसा है। हम जाएंगे, प्रभुपाद कहते हैं हम रण में जाएंगे और कई बोले लो एक बूंद पानी ले लो, तो क्या फायदा, कोई प्यास नहीं बुझेगी, मिलेगा ही नहीं एक बूंद पानी भी। लेकिन इतना ऐसा ही इस जगत का सुख है, एक बूंद लो सुख ले लो, नहीं। हमें हमारे पास कितना पैसा है, हमको दो सुख दो, मेरे पास करोड़पति हूँ। अभी तो सब लोग अब्बा जी करोड़पति बनने के पीछे दौड़ते हैं, करोड़ों रुपया इकट्ठा करो सब लोग, कोई और ये नहीं है। और फिर करोड़ों रुपये के क्या करेंगे, हाँ शादी करेंगे, उसमें चार दिन लगाएंगे, पहले दिन इसको बुलाएंगे, ये डांडिया रास करेंगे, दूसरे दिन पाव भाजी वाले को बुलाएंगे, तीसरे दिन चाइनीज वाले को बुलाएंगे, ऐसे करके करके है पैसा, क्योंकि पैसा है। हाँ किसी को नाचने वाले बाहर को नाचने वाले बुलाएंगे, घर वाले नाचने वाले आएंगे, ऐसे चार पाँच दिन वो सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा फेस्टिवल कर रहे हैं। ये सब चल रहा है, पैसा लोग इसके लिए पैसा कमा रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए। ये ईर्ष्या होती है, इससे अच्छा मैं करूँगा काम, मैं अच्छी शादी, मेरी अच्छी शादी करूँगा। एक वीडियो देखा था, तो वो एक बुलडोजर आते हैं ना, तो उसमें हस्बैंड वाइफ बैठे थे, वो अभी ऐसा हो गया एंट्री, हाँ एंट्री आते हैं तो बुलडोजर के मिस्टेक हो गया, खुल गया, वो गिर गया दोनों नीचे। ऐसा होता है भौतिक जगत में, हम सोचते हैं हम वो कार के ऊपर बैठ के दुल्हन आती है इसमें, ऐसा लगता है हाँ हमने कितना बड़ा कार्य किया। ये क्या है, ये सब ये छिछरे क्षुद्र एकदम हलकट ये सब कार्य है, कोई पवित्रता नहीं। ये लग्न संस्कार, वो ऐसे ही गाड़ी पे आएगी और फिर गाड़ी में चले जाएगी, छूटा छेड़ा लेगा, तलाक लेगा, कोई नैतिक सिद्धांत समझते नहीं है। इतना इतना बड़ा लग्न, वास्तव में शादी बहुत धूमधाम से करनी चाहिए, प्रभुपाद कहते हैं शादी धूमधाम से करनी चाहिए, लेकिन धूमधाम होनी चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, जोरदार कथा होनी चाहिए, भक्तों को प्रसाद खिलाना चाहिए, नाचने चाहिए। यहाँ तो शादी है भाई, मेरे यहाँ 3 दिन का शादी है, आप लोग कल दोपहर को ही आना क्योंकि हम भक्तों से प्रसाद नहीं बना रहे, सब लहसुन प्याज, शायद लहसुन प्याज नहीं होगा, लेकिन हम ब्राह्मण से पैंट शर्ट पहन के बूट पहन के रसोई बनाते हैं, ऐसे हम बनाएंगे, आप मत आना, आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम है। ऐसा होता है, ये सब चल रहा है पूरे हमारे समाज में। हम लोग ऐसे इसके पार्ट नहीं बने, हम भीष्मदेव की तरह भीष्मदेव का अनुसरण करें
किस प्रकार भीष्मदेव जैसे बनना है, भीष्मदेव जैसा मृत्यु प्राप्त करना है, कोई ऐसा नहीं सोचता है ना। सब लोग ऐसा सोचते हैं करोड़ों रुपया इकट्ठा करो क्योंकि शादी करनी है बेटे बेटी की, हाँ फिर बंगला लेना है, बड़ी गाड़ी लेनी है और आराम से रिटायर बैठ के है यमराज का राह देखना है। ये सब चल रहा है। हम लोग और फिर मृत्यु का भी अभी तो वीडियो शूटिंग होता है और ये सब दिखावा बहुत होता है मृत्यु का। कोई बड़ा आदमी मर जाएगा तो सब लोग आएंगे, बहुत लोग आएंगे, आला माला लेकर आएंगे और पहनेंगे माला, बड़ी माला। प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि भीष्म देव के लिए देवताओं ने जो पुष्पवृष्टि की, उनको कभी भी सामान्य व्यक्ति के शव को जो फूलों से श्रृंगार किया जाता है ऐसा नहीं मानना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं भीष्म देव के सम्मान तथा उनकी मान्यता का अनुकरण कभी कृत्रिम साधनों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल हर सामान्य व्यक्ति का जयंती समारोह मनाया जाता है। एक मिनट, ये नहीं, जैसे पुष्प वृष्टि की थे ना, हाँ हाँ, स्वर्ग से फूलों की वर्षा देवताओं द्वारा मान्यता का चिन्ह है। देवताओं ने ये महान भक्त, हाँ इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च व्यक्ति, भक्त मतलब कौन, सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति, वो व्यक्ति के उन्होंने शरीर छोड़ा, वो भगवत धाम जा रहे हैं तो ऐसा अच्छा लगता है ना। अपने अपना कोई बेटा या कोई अपने रिलेटिव कहीं और जा रहा है अच्छी जगह, तो एक हमें ये होगा, चलो जा रहे हम माला वाला पहनाएंगे, जा रहे कोई अच्छी जगह जा रहे। यहाँ अभी मैं उदाहरण दे दो, इतना ये नहीं, अमेरिका जा रहा है मेरा बेटा, बहुत अच्छा, तो हम सोचते हैं तो एक सम्मान देते हैं, या छोड़ो वो अच्छा नहीं है। जब गुरु महाराज जाते हैं तो हमें सम्मान से हम सब जाते हैं उनको छोड़ने के लिए और उनको पुष्पमाला पहनाते हैं और बहुत मतलब हृदय से हम बहुत उनका सम्मान करके गुरु महाराज को विदाई देते हैं जब यहाँ सूरत आते हैं। तो इसी प्रकार ये महान भक्त आए, अभी भगवत धाम जा रहे, तो ये देवता उसको सम्मान देते हैं इस और सम्मान से पुष्प वर्षा कहते हैं। तो कहते हैं कि इसकी तुलना कभी भी शव के फूलों से सजाने से नहीं की जानी चाहिए। मंडनम लोक रंजनम, मर्दे को सजाना कोई फायदा नहीं है, लोक रंजन सिर्फ मनोरंजन के लिए कोई फायदा नहीं। लेकिन बड़े बड़े लोग आते हैं, कोई सामान्य जीव मरता है, चलो मर गया, बहुत अच्छा आदमी था, ये है वो है, लेकिन अच्छा आदमी किसे कहा जाता है? भीष्मदेव को अच्छा आदमी कहा जाता है क्योंकि भगवान के भक्त थे। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को पूछते हैं कि कौन किसका संग करना चाहिए, कौन व्यक्ति अच्छे है, जो कृष्ण भक्त है वो श्रेष्ठ है। इसीलिए हम लोगों को कृष्ण भक्त बनना है और कृष्ण भक्तों का सम्मान करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इससे हमें समझना है। आजकल ये सब जयंती आती है, वास्तव में जयंती सिर्फ कृष्ण के लिए ही सुरक्षित रखनी, मतलब कृष्ण के लिए ही, प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण का आविर्भाव दिवस को ही जयंती बोला जा सकता है। कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु, ये दोनों कृष्ण ही है। इवन बलराम जयंती भी नहीं बोल सकते हैं, ये समझना है। कहते हैं और यहाँ तक गांधी जयंती आ गया, अंबेडकर जयंती आ गया, नहीं, गांधी जन्मदिन बोल सकते हैं, अंबेडकर जन्मदिन बोल सकते हैं, जयंती शब्द सिर्फ कृष्ण के लिए, क्योंकि जयंती तो धरा पर भगवान के आविर्भाव दिवस के लिए सुरक्षित है। तो लोग ऐसे ही मर गया यानी जयंती, और हर साल उसका उत्सव मनाते हैं, नहीं, उसी दिन एक ही दिन आएंगे, उनका पुतला साफ करेंगे, फिर बस खत्म। एक दिन भी नहीं, एक घंटा सुबह फोटोग्राफी हो गया, गांधी जी को हार पहना दिया, सब चले जाए, फिर गांधी जी को पुतले को हर रोज सफाई करना नहीं, फिर वहां कबूतर आते हैं, चकले आते हैं और वो अपना कार्य करते हैं। ऐसे पुतला पूजा नहीं होनी चाहिए। भगवान के भक्तों का, इसीलिए जब जब भगवान के शुद्ध भक्तों का, हमारे परम आराध्य गुरुदेव श्रील प्रभुपाद
या ऐसे आचार्यों के जब आविर्भाव होता है तो हम उत्साह से मना उसका मनाते, आविर्भाव तिरोभाव भी, वो जब इस भौतिक जगत से विदाई लेते हैं तो बहुत हमें दुख होता है क्योंकि अभी उनका संग नहीं मिलेगा। हालांकि उनका संग कभी नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, उनका संग हमेशा शास्त्रों में जो उन्होंने जो वचन दिया, उपदेश दिया, उसमें हमेशा जीवित रहते हैं। प्रभुपाद कभी गए नहीं है, हमारी भौतिक दृष्टि को नहीं दिखेगा, लेकिन प्रभुपाद के उपदेश के द्वारा हम कभी भी प्रभुपाद से अलग नहीं समझ सकते हमको। आज भी भीष्मदेव हमारे साथ उपस्थित है, आज हमने जो भीष्मदेव की प्रार्थना सुनी तो ये क्या है, भीष्मदेव के उपदेश है और भीष्मदेव साक्षात हमारे साथ हाजिर है। इसी प्रकार प्रभुपाद भी हमारे साथ, हम कभी भी प्रभुपाद को डिसअपीयर नहीं समझते हैं, वो हमेशा प्रस्तुत है 24 घंटा हमारे साथ। जब भी हमको कभी भी मुश्किल आए हम प्रभुपाद का स्मरण कर सकते हैं, प्रभुपाद के उपदेशों को ग्रहण कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हमारी सब मुश्किलें चली जाएगी। भीष्मदेव, कुंती महारानी, दिव्य उपदेश, कुंती महारानी के पास उपदेश कितना महत्वपूर्ण है। जब भी हमें हम मुश्किली में है तो कुंती महारानी के उपदेश को याद करना है, भीष्मदेव के उपदेश को याद करना, क्योंकि भीष्मदेव कह रहे हैं कि हमें यह सोचना चाहिए कि मेरी मुश्किली क्या है पांडव के आगे, जो कि शुद्ध भक्त थे। कल ही प्रभुपाद का एक आया ना कोटेशन कि कभी भी पांडवों ने भगवान से प्रार्थना नहीं की कि हमारा दुख दूर करो, कुंती महारानी ने प्रार्थना नहीं की, भीष्मदेव ने प्रार्थना नहीं की, यही शुद्ध भक्तों का लक्षण है। हमें कभी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि आप भगवान बहुत दुख हो गया, अभी निकालो हमारे दुख, अभी हमको सुखी करो, मैं भक्ति करो आपकी, नहीं, शुद्ध भक्तों का यही लक्षण नहीं है प्रार्थना करना अपने दुख दूर करने के लिए, क्योंकि भगवान दुख दूर करेंगे। बल्कि ये प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान ठीक है, जो भी मुझे दुख मिल रहा है वो आपकी कृपा है, क्योंकि दुख होगा तो मैं आपका स्मरण करता रहूंगा, जब तक दुख होगा तब तक मैं आपका स्मरण करूंगा, और आपका स्मरण यानी जन्म मृत्यु की श्रृंखला से छुट्टी। तो हमें जन्म मृत्यु से छूटना है तो इस महान आचार्य भीष्मदेव महाजन थे, भीष्मदेव शिवजी और ब्रह्मा जी के तुल्य थे, इतने महान थे, यद्यपि वे मनुष्य थे फिर भी वो सब महान देवता के, क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे और वो आचरण करते थे और प्रचार भी करते थे। ये समझ, वो कृष्ण कैसे समझ गए कि नहीं, उन्होंने क्या बोला, ये सब कृष्ण की योजना है। सबसे पहले ही उनकी प्रार्थना ये थी कि ये सब कृष्ण की योजना थी, इसीलिए आपको ये वन में इतना इतना दुख हुआ, आपको दुख गिरा। आपकी माँ कुंती महारानी को कितना आपसे भी ज्यादा दुख हुआ, तो ये सब कृष्ण जनार्दन की योजना है, चक्रधारी कृष्ण की योजना है। भीष्म देवी हमको समझा रहे, हमें भी यही समझना चाहिए, ये सब सीखना है भागवतम से। हाँ, प्रभुपाद ने कल तात्पर्य में कहा था ना कि भगवत गीता और भागवतम भगवान के उपदेश है, और भीष्म देव जैसी ही अवस्था हमको मिल सकती है अगर हम भागवतम और भगवत गीता पढ़ेंगे, उसके उपदेश के हिसाब से हमारा जीवन जिएंगे, तो हमें भी भगवान कृष्ण मदद करेंगे भीष्म देव की तरह, अंतिम समय में भगवान हमारे सामने प्रस्तुत होंगे, हमें विदाई देने के लिए भगवान प्रकट होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हम चाहते हैं ना ऐसे आए, तो फिर ऐसा चाहते हैं तो फिर हमें मैराथन जोरदार करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, संडे टू संडे एवरी डे हर रोज जाना होगा। तो देखिए, हर रोज जाएंगे तो हमारा इतना तो मौका है, इतना टाइम पीरियड है ना, अभी ज़्यादा से ज़्यादा एक महीना, तो अगर हम जाएंगे कम से कम हफ्ते में 3 बार 4 बार भी जाएंगे ना, शनिवार और सोमवार को छोड़ के और बुधवार, तो 4 बार भी जाएंगे तो कितने लोगों का हम कल्याण कर पाएंगे, और कृष्णा देखेंगे, धीरे धीरे प्रकट होंगे कृष्ण हमारे सामने, और मृत्यु से पहले ही प्रकट हो जाएंगे। कैसे, ये लोहे की तरह, जब लोहा अग्नि में रख देंगे पूरा लाल हो जाएगा, अग्नि बन जाएगा, इसी प्रकार हम यही देह से हमारा कुछ और काम क्रोध लोभ नहीं रहेगा तो हमारा शरीर शुद्ध हो जाएगा। हरे कृष्ण, श्रीमद् भागवतम की जय।